चल रहा है 2.12 एम्पीयर ले रहा है। फायर कंपनी का ओवन है, पानी मैंने वो तीसरे ढक्कन एक में डाल के रखा हुआ है अंदर। जैसे आप आवाज़ आएगी इसकी, टाइमर इसका बंद होगा, फिर हम इसे देखते हैं कि इसने पानी गर्म किया या नहीं किया। ऑफ हो गया है, चेक करते हैं एम्पीयर भी बंद हो गए। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं कि इसने पानी गर्म, पानी तो इसने कोई गर्म नहीं किया। चलो हम इसे ओपन करते हैं, मैं वीडियो पास करके ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ। इसका कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, कैपेसिटर ये डायोड होता है, ये इसका फ्यूज आ गया, हीटिंग गन आ गया, आया क्या चीज़ की खराब है। फिर हम इसे चला के चेक करेंगे। ठीक है, फ्यूज भी ठीक है, ठीक हो गया। अब आ गया इसका कैपेसिटर, एक शायद या कुछ तो होना चाहिए हमारा इसका कैपेसिटर ठीक है। हम इसका कैपेसिटर चेंज करके रिप्लेस करके फिर चेक करते हैं। हमारा कैपेसिटर आ गया 1 UF का कैपेसिटर है, इसे चेक कर लेते हैं। ये 1 UF शो कर रहा पूरा 1.0 शो कर रहा है। और हम इसमें ये कैपेसिटर लगा देते हैं, इसका डायोड
जो पानी इसमें रख देते हैं, भी कर लेते हैं स्टार्ट हो गया, गन रेस की चलनी स्टार्ट हो गई है। 4 एम्पियर ये दे रहे हैं। बंद होता है तो ये मैनुअल वाला है, ये इसका टाइमर ऑफ हो गया है। अगर इसमें पानी निकालते हैं तो पानी, ये देखें आप, पानी हीट हो गया है, सही गर्म हो गया ये। मैं तो करके चेक करवा देता तो हूँ आपको, मतलब हवा चल रही है, ये पानी हमारा हीट हो गया, ये थोड़ी गर्म है। और साथ बाटल जो मैंने काट के रखी थी उसका भी मच्छर जो है ना निकल चुका है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा ओवन रेडी हो चुका है, इसमें इस कैपेसिटर का मसला था, बाकी चीज़ें ठीक थी। और ये मैनुअल वाला है, फायर का मैनुअल, इसने मैंने इसलिए साइड पे रखा था, और उसकी हीट होने की वजह भी यही है कि ये मूविंग करता रहता है, तो वो मूविंग वाली प्लेट बंदे ने लाई नहीं है, तो नहीं थी, तो इसलिए एक जगह पे रखा रहा है। तो इसका स्विच निकाल देते हैं और हम अभी से बंद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।